जाने वाला गेट लगा दियो। राम राम जी, क्या हाल चाल, जय श्री राम। और ऐसा तो लग रहा है मैं नहाया नहीं, कल भी नहीं नहाया था मैं, आज बताओ लग रहा है नहीं लग रहा है। नहाया हूँ मैं, ऐसा मैं बोलूँगा बट मैं नहाया नहीं हूँ, आके नहाऊँगा, अभी एक काम से जा रहा हूँ। और दूसरी एक चीज़, शायद वो फ़ोटो देख के भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बट आज एक गाड़ी बुक करने के लिए हम जा रहे हैं, और जल्दी मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट व्लॉग में कि हम एक दो दिन में ही ले लेंगे गाड़ी, तो वो फैमिली कार है और घर में आ रही है, तो उस गाड़ी को आज बुक करने के लिए जाना है मेरे को। तो अभी एक काम है, मेरे को कॉलेज तक जाना है, हर्ष के, हर्ष और मैं जा रहे हैं। टोपा मास्टर, ये तूने ऐसे क्यों डाल रखा है लड़कियों की तरह साइड में, पीछे डालना, देखा तो ऐसे ही डाल देना, पर अब ठीक है। अब हम जा रहे हैं यार, बाल सेट कर लो क्या, लड़के मिलेंगे वहाँ तो मतलब नहीं है, सुंदर तो दिखना पड़ेगा ना, मतलब एक भाई का वो जाग जाता है एकदम से ना, समझ रहे हो, ऐसा लगता है कि आज भी कुछ है बात अंदर। मैं बाल सेट कर लेता हूँ, जूस पीने के लिए रुक गए, गाजर का ना पियेंगे, अनार का पियेंगे, भैया निकाल लें अनार का जूस, 60 रुपये का छोटा ग्लास, बड़ा 90 का, मेरी तो सांस ही रुक गई, मैंने कहा छोटा लगा था भैया, दो ग्लास लगवाया है। अब मैं ऐसे भी कर रहा हूँ ना आजकल, तो मेरे को जुकाम हो गया, सर्दी आती जाती बहुत परेशान करते, इसी चक्कर में मेरी मुझे ये दिक्कत रहती है, सामने शिफ्ट खड़ी है ऐसे देख के एकदम से मुझे ऐसा लगा था कि मेरे वाली है, नीचे देख रहे हैं निशान मेरे वाली में भी देखा ऐसी फेंडर लाइन बोलते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं, रनिंग बोर्ड, रनिंग बोर्ड, रनिंग बोर्ड पे। तो जल्दी से जूस पी के फिर निकलते आगे की तरफ हम, बाज खेड़े खड़े मेरे को एक रैंडमली थॉट आया, क्यों ना मैं अपनी गाड़ी की करंट लोकेशन चेक करूं, तो माई स्कोडा ऐप से आज हम अपनी गाड़ी की लोकेशन चेक करते हैं, और इसमें RPM 38 दिखा रहा है, स्पीड 0, 32 इंजन लोड, ये गाड़ी स्टार्ट दिखा रहा है क्या, इसमें करंट अपडेट गलत दे रखी है, पर 7.4 बैटरी की वो दिखा रहा है पावर, और 16% फ्यूल जो कि इसमें था, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लोकेशन दिखा रहा है, और जबकि गाड़ी हमारी कानपुर में खड़ी है, मतलब इसके बाद ये डिवाइस एक्टिवेट ही नहीं है, मुझे लग रहा है या तो ये डिवाइस जब एक्सीडेंट हुआ था ना झटके से निकल गई होगी, जिस वजह से ना गाड़ी की अपडेट हमारी उसी जगह की रह गई, एंड इंजन लोड जो ये दिखा रहा है ना, रीज़न उसका यही रहा, जब हमारी गाड़ी टकराई हुई ना तो वो डिवाइस नीचे निकल के गिर गई, और जिसकी वजह से ये RPM भी इतना दिखा रहा है। बट यार बैटरी तो वीक नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि डिवाइस तो लग रही है, कुछ और रीज़न है, चलो इसका देखेंगे, अगर मैं कानपुर जाऊंगा ना तो वो GPS डिवाइस में निकलवा लूँगा, लेके आऊँगा अपने लिए ना, फिर हम इस द्वार से एक्टिवेट रखेंगे। जूस आ गया भैया अपना, अभी सब पी का ख़त्म करते, वैसे मैंने ख़त्म कर दिया था, बट मैंने सोचा दिखा देता हूँ, इतनी ज़्यादा मट्टी उठ रही है, इतनी ज़्यादा बस क्या बताऊँ, मैंने 16 मिनट आ गया एडिटिंग करा था वीडियो, वीडियो तो एडिट हो गई, बस अब उसे सॉफ्टवेयर में अपलोड करनी है, फिर उसके बाद यूट्यूब पर अपलोड करनी है, भाई बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है, ये करना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। अभी अब तो अब से 2014 की बात करूँ ना, मतलब 10 साल पहले की, इस रोड पे जितने भी आगे गाड़ियाँ दिख रही नहीं, ये इतनी दिखाई नहीं करती थी, और अब की स्थिति ये है कि बस क्या ही बताओ यार, जाम ही जाम, मतलब गाड़ी 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 गाड़ी, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ कि आदमी पागल हो जाते जाम में, इसलिए मन कर रहा है सिटी के कहीं बाहर जाके बाहर की तरफ रहने लग जाए तो सबसे बढ़िया है। कहीं नाम लिया था आगे तक जाम ही जाम है भाई, इसका क्या करूं मैं, अंकल जी कैसे करोगे, ऊपर को चढ़ोगे, ऊपर को हॉर्न बजाए जा रहा हूँ। फाइनली भाई कॉलेज आ गए, कॉलेज ये रहा, बट अंदर जाने की परमिशन नहीं है, और हर्ष चला गया, उससे जो भी काम है अंदर ऑफिस में जाके वापस आएगा थोड़ी देर में, जब तक वेट कर रहा हूँ उसका, वापस घर आ गया, और एक चीज़ दिखाऊंगा, देखो अभी क्या होगा मेरे साथ, बहुत देर से इंतजार कर रहा था एक भाई, क्या हाल है जी, कहीं भी फर्क ना पड़ा शरीर पे, तो कहीं ना फर्क पड़ा वाला, मेरे को ठंड लग रही है ऐसा, इतनी ना ठंड ना लग रही, मैं तो नू कह रहा हूँ आधा घंटा लगा था बस मुझे तो इतना तूने कहाँ लगा दिया इतना समय, फोन पे लगा रहा इतनी देर से, एक घंटा हो गया जाए, हुए सुबह 10 बजे आया हुआ मैं, वो तो चुप हो जे, चिकल भी देखी है, चिकल तो देख रही, देख कैसी हो रही, कितनी गंदी हो रही, इस टाइप बेकार, बिल्कुल चमक रही है एकदम,
चमक रही है, चमक रही तेरी जान कसम, ग्लो आ रहा पूरा। कोई देखने गया है, पता नहीं कौन आ गया। नहीं नहीं और सब बढ़िया। या इंसान को मैंने एक घंटे से वेट करा रखा, आधा घंटा कह गया है। जो मेरे से कह रहा क्या हाल चाल चल रहे, बताओ उसे मेरे क्या हाल चाल चल रहे। जीवन में दुख है, दुख बहुत। मैं सेक्सी लग रहा हूँ ना बालों में साले, ऐसे रखूँ अब बाल नहीं भाया करूँगा, हाथ टूट रहा ना। गाड़ी बुक करने चल रहे, अब जो जाएगा अपने घर मैं जाऊँगा गाड़ी बुक करने, ठीक है। गाड़ी बुक करते करते बराबर में कुछ खाने का दिख गया था, इसे भूख लग गई, इसने दावत मांग ली। अब मैंने कहा जब गाड़ी बुक करने जा रहा हूँ दावत का भी क्या मुंह देखना। बस अभी ये देखो तुम्हें फोटो सेशन चल रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है क्या। चलो सामान दिखाता हूँ क्या क्या मंगाया गया। बर्गर आ गया, भूखा सबर भी नहीं करता। वो आ रहा पनीर, और आ रहा पनीर, पनीर नहीं आ रहा वो आ रहा है पिज्जा। पिज्जा आएगा इधर से बन के। इन्होंने एक चीज़ और स्टार्ट कर दी अंग्रेज वालों ने, खाने पीने का जुगाड़ स्टार्ट कर दिया, मतलब रात का डिनर विनर भी ना वो सब चीज़ें रेडी हो गई इनके। दोनों आइटम आ गए एक साथ, अब पिज्ज़ा भी आ गया, खोलने वाला था मैं बर्गर, इतने में दिख गया आता हुआ। मैंने कहा चलो एक साथ ही बना लें, अब खा लें पहले फिर देख लेना बाद में। नहीं तू खा, तू तो खा, तुझे कौन रोकता है मालिक, हम अपना काम करना होता ना। पहुंच गए भी जी शोरूम, अब देख लेते हैं कौन मिलेगा हमें। गुड इवनिंग, आपसे बात हुई थी क्या मेरी? अभी भी बात हुई थी, मतलब आप विजिट करने वाले थे। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड सर, देखना मैं शुभम कल ही आया था मैं, जिससे भी बात हुई तो मैं बुला दूँ। गए जी हम तो, बैठ गए जी हम तो अभी। अच्छा हाँ ये रहा सामने की तरफ भाई, और बढ़िया जी हाल चाल ठीक। गाड़ी बुकिंग कराने के लिए आया हूँ, मॉडल वही जो फाइनल करा था कल, जिसमें वो स्पोर्ट्स किट भी बता रहे थे ना अपने को, स्पोर्ट्स किट। तो ये गाड़ियाँ हैं भाई, और इन्हीं गाड़ियों में अभी मैंने अपने वाली गाड़ी देखी, मतलब यहाँ अभी नहीं है बट उसका लुक देखा कि किस तरीके की आएगी। एंड इसमें आप लोगों को कौन सी लग रही है वो कमेंट करके बताना कि इस बार कौन सी हम ले सकते हैं फैमिली कार के लिए ना। अब जो भी रहेगा वो आप लोग कमेंट करके बताना, बाकी जब गाड़ी आ जाएगी जब देखते हैं। अभी फ़िलहाल ही अंदर हम से बोल रहे हैं कि कम से कम 15 दिन तो लग जाएंगे गाड़ी आने में, और मैं इनसे जल्दी लूँगा गाड़ी, जैसा भी होगा अपडेट तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। लेट होगी लेट मिलेगी, जल्दी होगी जल्दी। स्टॉक देख रहे हो क्या? नहीं मैं आपके लिए ना बस एक बार क्रूज का कंफर्म कर रहा हूँ। अच्छा क्रूज कंट्रोल है या नहीं? ओके आया है, नए वाले में आया है। ठीक है, 2024 मॉडल आएगा ना? तो 2024 स्टॉक और चेक कर लो एक बार आप अपना ना। नहीं 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 व्हाइट कलर सीएनजी नहीं चाहिए ना, वो स्पेस कलर मंगा देंगे, ऑर्डर बताएगी बट चाहिए जल्दी ना। मैंने बोला जल्दी बुक का मतलब क्या, मतलब बुक कराने का सेंस मेरा ये है कि भाई चाहे आप पूरा अमाउंट ले लो अभी मेरे से, मेन बात ये है कि हमें गाड़ी तो चाहिए ना अभी 2-3 दिन में। हाँ हाँ पता करके आ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी क्या सेक्सी लग रही है ना, हैरियर है ये, और ये है सामने की तरफ सफारी, मस्त लग रही है हैरियर। बट ये कलर कैसा लग रहा है, कुछ अजीब सा नहीं है भाई? इसके जो कर पैरट ग्रीन कलर निकालते कंपनी, गजब ही आ जाएगा। मतलब मेरा मन है एक बार पैरट ग्रीन कलर की गाड़ी देखने का कैसी लगेगी। भाई साहब हमें कह रहे हैं, आ गए थे अभी, अभी चले गए, एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। हमने इनसे कहा कि चलो एक हफ्ता छोड़ो, संडे कर लेते, संडे में सभी लोग आ जाएंगे गाड़ी लेने के लिए ना। फिर तो उसी हिसाब से हमने डिपेंड उनसे प्लान अपना बोल दिया, डिसीजन दे दिया संडे में। तो संडे में कौन सी गाड़ी आएगी वो आप लोग देख लो, बाकी ये इस फ्रेम में जितनी गाड़ी आ रही है ना, चलो एक तो ये है सामने टियागो, उसके पीछे नेक्सोन, ये है एल्ट्रोज, हैरियर, पीछे पंच, इनमें से कोई एक गाड़ी है कमेंट करके बता दो। देखो बाकी गाड़ियाँ मैंने इसमें से हटा दी, सफारी बता दी, और एक एक दो गाड़ी और है जो हटा दी। अब इसमें जो आप लोगों को फाइनल लगे ना वो बताना मेरे को। 20-25 मतलब 20-25 के बीच में डेट प्लांट में आरएसए के स्टॉक गुड़गांव में है, गुड़गांव में प्लांट सी ही है। अभी तो बहुत दिन है, 20-25 7 तारीख आने में तो
इसी 20-25 के बीच में, आज क्या तारीख है, फरवरी की 20-25 के बीच में, 12 तारीख हो गई आज, है नहीं, 20-25 तो बहुत दिन बैठ रहे हैं, 15 दिन आ रहे हैं, बस वही संडे में दे दो आप हमें, हम तो ये कह रहे हैं आपसे देखो मैं आपसे वही है कि फिर बात पहले करा रहा हूँ, तो डील भी ट्रांसपेरेंट थी, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट, दो चार दिन की बात है, इतना और बंद नहीं, दो चार नहीं, आप तो मंडे में कह रहे थे, मैं संडे में कह रहा था, बस ये फर्क है, वो जाता मेरे को जब संडे स्टॉक दिखाना तो प्लांट का था, मैंने लगा आरएससी का स्टॉक है, तुम्हारा आरएससी का स्टॉक होता है, वो कहता गाड़ियाँ कुछ बन के ना मेरे यहाँ जाती है, तो गुड़गांव से 3 से 4 दिन में गाड़ी आ जाती है, बस सेफ्टी के लिए 3 दिन ज़्यादा नहीं होता, बट अब ये जो प्लांट दिखा रहे हैं प्लांट का स्टॉक है पुणे का, फ्रेश है बिल्कुल, तो पुणे से भी आई थी, तो 20 से 25 के बीच में मैं आपको गाड़ी दे, उससे पहले ऊपर ले कर पहले दे दो, हमें कहीं और भी ट्राई कर ले, मतलब आसपास में फिर भैया देख लो अगर आप नहीं करा पा रहे तो कोई बात नहीं, अच्छा अगर हम अभी आपके पास बुक कर देते हैं और हमें कहीं और गाड़ी मिल जाती है तो पूरा रिफंड हो जाएगा, पेमेंट कितने दिन में हो जाएगा, मैं आपको 7 दिन, 7 दिन में रिफंड हो जाएगा, प्रोसेस होगा, चलो बुकिंग से तो आपको फ़ायदा होता है ना, क्योंकि रिटेल से फ़ायदा होता है, अच्छा रिटेल से फ़ायदा होता है, अच्छा आप समझ रहे, चलो चलो ठीक है, आज एक खुशी की बात बताऊँ, पब्लिक मुझे नहीं जानती है बट मेरी गाड़ी को जानती है, अभी ये जो भाई था ना जो बुकिंग करा रहा हूँ जिसके पास में, ये मेरी गाड़ी को जानता है, कह रहे भैया अपने एक बार गाड़ी दिखाओगे, मैंने इन्हें एकदम से एक झलक देखी, कह रहे भैया भैया दिखाना दिखाना, तो फिर मैंने इन्हें गाड़ी दिखाई, कह रहे भैया ये मैंने गाड़ी देखी है, मैंने देखी कहीं, मैंने कहा ये अभी तक की सबसे वायरल कार है, करो हाँ और ये तो आपने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई इस गाड़ी पे और आप बहुत ज़्यादा मतलब इस गाड़ी के लिए फील भी करते हो ना, और मैंने बहुत सारी वीडियो देखी आपकी, मैंने कहा मुझे नहीं जानते बट मेरी गाड़ी को जानते, तो ये मतलब एकदम बड़ा अच्छा सा फील हुआ, प्राउड सा फील हुआ कि यार बताओ आज इसकी ये गाड़ी मेरे को क्या क्या चीज़ें दे के चलेगी, तो यार क्या सलाह ही लेनी चाहिए कमेंट करके बताओ यार, मेरा मन तो यहीं अटक गया है, देखूंगा जैसे भी होगा, अभी फिलहाल बुकिंग के लिए पेमेंट करनी है, थोड़ा वेट कर रहा है अभी, शायद कैशियर भाई है नहीं, फाइनली भाई फाइनली बुक हो गई गाड़ी, और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ वापस घर, ये क्या नई गाड़ी खड़ी है, कौन सी है, सफारी, इज इट सफारी, यस, अब मेरे को स्कूटी निकालनी है यहाँ से ना, पीछे जगह है, इधर से निकलता हूँ और यहाँ से निकलते हैं हम घर की तरफ, सारे काम फाइनली आज के डन भाई, इतना काम, देखते हैं यार ये बाल इतना ऐसे हो जाता है हवा के झोंके से ना, अभी ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि आज क्या रहा है, सारे हमारे काम कंप्लीट हो गए, सुबह उठना हमारा हो गया, नहाना नहीं हो पाया, ये बहुत दुख है जीवन में, किस किस का दुख है कमेंट करके बताओ ज़रा, और गाड़ी मैंने बता दी 20 से 25 तारीख के बीच में आएगी, कोशिश करूँगा 20 तारीख में ही ले लें, 8 दिन में मतलब, और गाड़ी कौन सी ये भी बताना आप लोगों को कमेंट करके, कॉलेज जाना था वो भी काम हो गया, कॉलेज से आने के बाद भाई आया हुआ था कज़न जो आपको मैंने दिखाया था उसे तो भाई 2 घंटे की गोली दी है मैंने, उसे 2 घंटे से बस मैंने उसका कॉल आता मैंने आ लिया आधे घंटे में, बस आधे घंटे में वहाँ तक जाना और आना है, वो कहता ठीक है, फिर फोन आया मैंने कहा आधे घंटे में आ लिया, फिर फोन आया फिर आधे घंटे में, भाई उसका वो कह रहा आधा घंटे नहीं हो रहा तुम्हारा, फिर मैंने कहा चल ठीक है आ जाऊँ, फिर जल्दी जल्दी करके आए, फिर वापस आए यहाँ के, फिर खाना खाने चले गए कुछ खाने के लिए, फिर उसके बाद बुकिंग कर दी हमने, एक आँख में क्या हो गया, चिपक क्यों गई भाई, इसमें क्या हो गया, एक आँख में खुल क्यों नहीं रही, खुल गई अपनी मर्जी से ही बंद हो रही है, तो व्लॉग को कर देंगे पेन लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना आज व्लॉग में, नहीं जय जय भारत जय माता दी जय श्री राम, एक चीज़ और बताऊँ मैं ना लिया, और दूसरी चीज़ बताऊँ मैंने आज बहुत ज़्यादा टी शर्ट टाइट पहन, ओह शिट मैन यार ये शोल्डर ना ये अभी ये क्या चीज़ है, ये दर्द कर रहा है शोल्डर, अभी ठीक नहीं हो रहा, जैसे ठीक होगा बताना बंद कर दूंगा, ठीक है, बाय बाय।